नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोटोरोला एज 30 अल्ट्रा 5G वर्सेस वीवो X80 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 30 अल्ट्रा 5G में 6.37 इंच जबकि Vivo X80 5G में 6.49 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 30 अल्ट्रा 5G में 2.89 इंच जबकि Vivo X80 5G में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 30 अल्ट्रा 5G में 198.5 ग्राम जबकि Vivo X80 5G में 206 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि 30 अल्ट्रा 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 30 अल्ट्रा 5G में जबकि Vivo X80 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 30 अल्ट्रा 5G में 6.67 इंचेस जबकि Vivo X80 5G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 30 अल्ट्रा 5G में 90.38% जबकि Vivo X80 5G में 89.5% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 30 अल्ट्रा 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Vivo X80 5G में 388 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो 30 अल्ट्रा 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और Vivo X80 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 30 अल्ट्रा 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Vivo X80 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 30 अल्ट्रा 5G में Adreno 730 जबकि Vivo X80 5G में Mali-G 710 MP10 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 30 अल्ट्रा 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 और Vivo X80 5G में MediaTek Dimensity 9000MT6983 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 8GB 12GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी 30 अल्ट्रा 5G में 4610 mAh जबकि Vivo X80 5G में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 30 अल्ट्रा 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 59,999 रुपीज़
12 GB RAM 256 GB स्टोरेज के साथ 64,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Vivo X85G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB RAM 128 GB स्टोरेज के साथ 54,999 रुपीस, 12 GB RAM 256 GB स्टोरेज के साथ 59,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Motorola Edge 30 Ultra 5G में 5 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo X85G की तो उसमें 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 30 अल्ट्रा 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें गूगल पिक्सल 7 5G है, दूसरा रियलमी GT Neo 3 5G 150 वॉट है, तीसरा वन प्लस 10R 150 वॉट 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Eco 90 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।